हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गढ़वाली साहित्य समाज और संस्कृति के लिए समर्पित संस्था चिट्ठी की ओर से दून पुस्तकालय एवं शोध संस्थान के सभागार में उत्तराखंड के 6वें चिट्ठी सम्मान समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। लगभग 3 घंटे चले इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, घनसारी के उपजिलाधिकारी शैलेंद्र नेगी, कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल, बीजेपी युवा मोर्चा नीरज पंत भी मौजूद रहे। चिट्ठी पत्री के प्रधान संपादक मदन डुकलाण ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और इसके बाद हिंदी और गढ़वाली में निरंतर अध्यापन और सृजन कर रहे नंद किशोर ढौंडियाल अरुण को चिट्ठी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, जिस पर उन्होंने चिट्ठी संस्था कवि सम्मेलन में पहुंचे कवियों और श्रोताओं का धन्यवाद किया और कहा कि गढ़वाली भाषा एक समृद्ध भाषा है। सबसे पहले मैं चिट्ठी संस्था को, जिसके द्वारा ये पत्रिका निकलती है और जिसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, इन लोगों को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा उन साहित्यकारों को जो इसमें सम्मिलित हुए, धन्यवाद दूंगा उन श्रोताओं को जिन्होंने कि आज के होने वाले कवि सम्मेलन को सुना और मुझे जो ये सम्मान दिया गया उसके वे साक्षी रहे। यहाँ तक मैं आप सब लोगों को मतलब कि धन्यवाद दूंगा, जो हमारे पत्रकार बंधु आए, जो हमारे छायाकार यहाँ पर उपस्थित हुए, उन सारे लोगों को धन्यवाद। मुझे असल में मुझे तो कविताओं की अपनी कविताएं तो याद रहती नहीं है, फिर भी मतलब ये है कि मेरी काफ़ी कविताएं मैंने अनुवाद किया ज़्यादा, और अनुवाद जो मेरा रहा है वो संस्कृत से और गढ़वाली में रहा है। लगभग मैंने 11 पुस्तकों का गढ़वाली में काव्य अनुवाद किया है और हिंदी में तो काफ़ी हैं लेकिन गढ़वाली में विशेषकर, और इसमें मैंने भाषा विज्ञान को लेकर के एक तरह से भाषा विज्ञान पर ही काम किया, जैसे डिक्शनरी पे काम किया, और एक पुस्तक और ऐसी लिखी कि जिसमें मैंने ये सिद्ध किया कि गढ़वाली भाषा बोली नहीं है, भाषा है, और यहीं से उसका प्रकाशन भी हुआ देहरादून से। कार्यक्रम में चिट्ठी पत्र 2023 के वार्षिक अंक का लोकार्पण किया गया। इस अंक का परिचय देते हुए चिट्ठी पत्री के उप संपादक आशीष सुंदरयाल ने कहा कि इस अंक में वर्तमान में जितने भी विधाओं, लेख, कथा, कविता, गीत, गजल, व्यंग्य व यात्रा संस्मरण आदि में गढ़वाली में लिखे जा रहे हैं, और इस अंक का परिचय देते हुए चिट्ठी पत्री के उप संपादक आशीष सुंदरयाल ने कहा कि इस अंक में वर्तमान में जितनी भी विधाओं में लेख, कथा, कविता, गीत, गजल, व्यंग्य व यात्रा संस्मरण आदि में गढ़वाली भाषा में ये लिखे जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे घनसारी के उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि आज हमारे लोक साहित्य, लोक बोलियों और पहाड़ की जो संस्कृति है उसे दिखाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसके माध्यम से हमारे पहाड़ों में रह रहे रचनाकारों को एक मौका भी मिलेगा। हाँ, इसमें जो चिट्ठी पत्री एक पत्रिका निकलती है और श्री मदन मोहन ढुकलान जी उसके संपादक हैं, और उसने 85 से वो लगातार निकल रही है। पहले जब हम पहाड़ों में पढ़ा करते थे तो चिट्ठी पत्री को हम भी जो है पत्रिका को पढ़ा करते थे, उस समय एक ये बहुत एक तरीके से एक प्रतिनिधि पत्रिका थी धाद और चिट्ठी पत्री। उस दौरान हमको जो पहाड़ की रचनाएँ थी, रचनाकार थे, उनकी क्या भावनाएँ हैं, क्या चाहते हैं, वो इस पत्रिका के माध्यम से मिलती थी। आज जबकि यहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था और डॉक्टर अरुण ढौंडियाल जी हैं, नंद किशोर ढौंडियाल अरुण, उनको ये सम्मान दिया गया, 6वां सम्मान था ये। और इस अवसर पर कवि सम्मेलन भी हुआ। इस कवि सम्मेलन में श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और अन्य जो गढ़वाल के और कुमाऊँ के बड़े कवि थे वो लोग आए थे, तो इस अवसर पर हमें भी बुलाया गया था। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लोक साहित्य है, हमारी भाषा है, हमारी बोलियाँ हैं, हमारा जो पहाड़ की संस्कृति है, उसको दिखाने के लिए और उसको प्रदर्शित करने का, उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, और जो रचनाकार हैं हमारे गाँव में, क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए। सम्मान समारोह के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें गढ़वाली के प्रतिष्ठित कवियों ने अपने कविताओं का पाठ किया। इसमें गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी कविता से एक बार फिर सबका दिल जीता, और साथ ही दिल्ली से आए कवि दिनेश ध्यानी, रमेश घिल्डियाल, पौड़ी से हास्य कवि हरीश जुआल और अन्य कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ किया। चिट्ठी पत्री के प्रधान संपादक मदन डुकलाण ने जानकारी देते हुए बताया कि साल चिट्ठी सम्मान समारोह का 6ठा साल है। इसके साथ ही सन 1985 से चिट्ठी पत्रिका निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा लिख पाते हैं। ये 6ठा साल है
चिट्ठी सम्मान समारोह को, और जो पत्रिका है ये सन 85 से निकल रही है। पहले ये फोल्डर के रूप में निकलती थी, फिर त्रैमासिक पत्रिका के रूप में निकली, आजकल वार्षिक अंक आ रहा है इसका। उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, एक तो पहले पढ़ें, वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो लिखने की आदत उनको पढ़ने के बाद पड़ेगी। और आजकल कुछ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है, उसकी वजह से भी थोड़ा पढ़ना और लिखने की आदत कम हो गई है नए बच्चों में, तो ये। लेकिन अब समय के साथ हमें अपनी चीज़ों को कैरी ऑन करना चाहिए उनको। अच्छे अगर हम अब तो डिजिटली भी लिख सकते हैं, बेशक जरूरी नहीं है कागज़ पेन पे लिखें। अब तो आप हमारे पास तमाम सॉफ्टवेयर लिखने के और पढ़ने के लिए भी हमारे पास किंडले से लेकर तमाम सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम मतलब अगर हार्ड कॉपी नहीं पढ़ पा रहे हैं, हार्ड पेजेस पे नहीं लिख पा रहे, तो हम समय के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए और हमें उसके अनुरूप पर लिखना और पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में घनसाली के उपजिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के जन्मदिन को भी मनाया गया और सभी ने उनको बधाई देकर उनकी दीर्घायु की कामना की। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही इस पहल की सभी ने सराहना की। साथ ही हमें अपनी बोली में अच्छा साहित्य सृजित करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बोली भाषा में अच्छा साहित्य लिखा जाएगा एक स्तर, तो लोग उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और लोग उसको जानेंगे। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।